हेलो फ्रेंड्स, वेजी पंच में आप सभी का स्वागत है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी रेसिपी हम पोस्ट करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज की हमारी रेसिपी है नींबू की बर्फी, एक बड़ी ही अनोखी मिठाई। ये शायद ही आपने इसका नाम पहले कभी सुना होगा, और अगर सुना है तो सही सुना है कि नींबू की बर्फी बनाएंगे हम आज। ये रही नींबू की बर्फी, ये देखिए नींबू यानी कि लेमन की बर्फी है। ये वैसे तो ये एक पाचक है, एक प्रकार का खाता है। और आप राजस्थान में जाएंगे तो मारवाड़ियों के घर में तो आपको प्राय हर तरह के खाते ही मिलेंगे, और वो सारे खाते घर पे ही बनाते हैं। और आजकल मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, लेकिन जो आप खुद से बना लें उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो आज हम बनाएंगे नींबू की बर्फी, नींबू का खाता या नींबू की गटागट, नींबू की गोली या फिर नींबू पाचक, जो भी आप इसे नाम देना चाहे वही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे कैसे बनाना है। और इसकी खासियत है कि इसे बनने के बाद आप उसी टाइम भी खा सकते हैं, पर आप इसे एक दिन के लिए पंखे के नीचे सुखा लीजिए, थोड़ा सूखा हो जाए, फिर आप इसे महीनों तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। पर ये आपका ज्यादा दिन चलने नहीं वाला, क्योंकि इतना चटपटा स्वादिष्ट है कि आप इसे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे और आप इसे जरूर खाना चाहेंगे बार बार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं नींबू की बर्फी। इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये है नींबू का पिकल, नींबू का अचार। ये आपको राजस्थान के प्राय हर घर में मिलेगा। हम लोग इसे लूनिया नींबू कहते हैं। लून मतलब होता है नमक, तो नमक वाले नींबू। इसमें सिर्फ नींबू और नमक है और कुछ भी नहीं है, ऑयल भी नहीं है। और ये भी एक तरह का पाचक है, स्वास्थ्यवर्धक अचार है, काफी सालों तक चल जाता है। जब भी आपको कभी उल्टी का मन हो या फिर जी मिचला रहा हो, सर दर्द हो, तो थोड़ा सा ये मुंह में रख लो तो आपको रिलीफ मिल जाएगा उस प्रॉब्लम में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। और ये रेसिपी मैंने अपने मामीसा से सीखी है और बहुत ही अच्छी बनती है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं नींबू का पिकल, जैसा कि मैंने बताया। उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम प्लेट में ये पीसेस निकालें तो इसमें बिल्कुल भी ये पानी ना हो, जो रस बन जाता है नमक का वो रस ना हो उसमें। तो सिर्फ पीस पीस निकाल लेने हैं। तो मैंने एक नींबू को यहाँ पे 6 पीस कर रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 नींबू लिए हैं, यानी कि 12 पीस लिए हैं। और इसके साथ हम लेंगे चीनी। तो अब हम एक ग्राइंडर लेंगे, उसमें ये जो नींबू के पीसेस हैं और वो चीनी के साथ उसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। हम यहाँ पे 2 नींबू पर लगभग 100 ग्राम चीनी ले रहे हैं। इस खाते को बनाने के लिए नाप का कुछ भी नहीं है, इसमें अभी और भी ज़रूरत पड़ेगी चीनी की। तो अभी तो हम ये साबुत चीनी ले रहे हैं जो नींबू के साथ ग्राइंड करेंगे। और देख लीजिए इसमें बीज ना हो, वैसे तो नींबू के अचार में हम बीज पहले से निकाल लेते हैं, फिर भी कोई एक दो बच जाता है तो वो हम निकाल लेंगे। और इसको इसके साथ अच्छे से पीस लेना है। और अलग से भी आप चीनी का पाउडर रखें जो आगे हम जरूरत पड़ेगी रेसिपी में इसमें ऐड करने की, तो ऐड करेंगे वो चीनी का पाउडर। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह से है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है ये अभी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप अलग से पीसी हुई चीनी भी रखिए, तो अभी हम इसमें पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे और भी। और इसके अलावा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो प्राय हर खाते में डलता है, जिसकी वजह से खाता बहुत ही चटपटा बनता है, और वो है खाते का मसाला। ये खाते का मसाला मैंने घर पर ही बनाया है, पहले से ही बनाया हुआ है। इसमें जो इंग्रेडिएंट सूखे मसाले लगते हैं वो मुझे अभी पूरी तरह से मिले नहीं मार्केट से, इसलिए इसकी रेसिपी मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। खाते के मसाले में जो घर में यूज करते हैं मसाला वही रहते हैं सिंपल, जैसे कि पिंपली, काली मिर्च, लेकिन एक नाप के साथ ये मसाला बनता है। तो वो नाप और क्या क्या मसाला यूज होना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे हमने ले लिया है ये पीसी हुई चीनी, इसको साइड में रखते हैं। अभी हम इसमें खाते का मसाला डालेंगे, तो मैं यहाँ पे लगभग 1 चम्मच खाते का मसाला डाल रहा हूँ। तो ये रहा 1 चम्मच खाते का मसाला। ये खाते का मसाला बहुत ही काम की चीज है, ये बनाकर रखें घर में, फिर जितने भी तरह के खाते बनते हैं ना सब में यूज होगा ये। और इसमें हम व्हाइट कलर का नमक इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि जो नींबू का अचार था उसमें भी व्हाइट कलर का नमक ही था। हम इसमें डालेंगे थोड़ा
काला नमक, अब इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें धीरे धीरे पिसी हुई चीनी डालेंगे और इससे एक टाइट डो रेडी करेंगे। जिस तरह आटा लगाते हैं हम चपाती के लिए, ठीक उसी तरह हमें इसका डो रेडी करना है। जितने भी तरह के खाते बनते हैं ना, ये इसमें सबसे आसान वाला खाता है। ये सबसे आराम से बन जाता है, आसानी से बनाया जा सकता है। धीरे धीरे टाइट होने लगा है बैटर। मैंने अभी इसे चखा है थोड़ा सा, तो इसमें अभी ये खाटे का मसाला थोड़ा और ऐड करेंगे, क्योंकि काली मिर्ची का भी इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है। आधा चम्मच लिया है मैंने। इसमें चीनी काफी लगती है। पाचक जितने भी होते हैं वो स्वास्थ्यवर्धक जरूर होते हैं, लेकिन तभी जब आप उन्हें लिमिट में खाएं। लिमिट से अगर ज़्यादा खाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। और बाहर जो मार्केट में पाचक मिलते हैं उनमें कलर होता है, प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स भी होते हैं, तो इसलिए घर पर ही बनाना सबसे अच्छी बात है। और इन्हें घर पे बनाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, बहुत आराम से बनाए जा सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ी और पिसी हुई चीनी डालेंगे, तो मैं अभी चीनी पीस कर लाता हूँ। ये रही पिसी हुई चीनी। नींबू तो ऑलरेडी खट्टा होता ही है, लेकिन इसमें जब हम पिसी हुई चीनी और मसाला डालते हैं खाटे का, तो इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाता है। मैं इसमें हैंड्स यूज करूंगा, तो हाथ तो किचन में जब भी आए क्लीन ही होने चाहिए हमेशा ही। आपको अगर इस छोटे बर्तन में अनिजी लगता है इस तरह से करना, तो आप एक प्लेट भी ले सकते हैं। अभी भी ये हल्का गीला है, देखिए।
वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आप लोगों को ये दिखाना भी जरूरी था कि मैंने इसमें कितनी चीनी मिलाई है, क्योंकि फिर बाद में लोग कहते हैं कि आपने कितनी चीनी मिलाई है तो पता ही नहीं चला। तो देखिए डो रेडी हो चुका है, ये रहा खाटे का डो। और आप चाहें तो इनकी इस तरह से गोलियां भी बना सकते हैं जिस तरह से मार्केट में मिलती हैं। एक प्लेट में थोड़ी सी पाउडर चीनी छिड़कें और उस पर ये गोलियां बना के रख दें, वो पाउडर चीनी से कोट हो जाएंगी और आपकी गटाकट नींबू के रेडी हो जाएंगे। लेकिन हम आपको आज बनाना सिखा रहे हैं नींबू की बर्फी, और ये गोलियां बनाने से ज़्यादा आसान है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो प्लेटफॉर्म पे हम थोड़ा सा ये पाउडर चीनी छिड़केंगे। फिर ये डो का थोड़ा सा पोर्शन मैंने लिया है, जिस तरह से हम चपाती बेलते हैं ठीक इसी तरह से ये पेड़ा सा बना लिया है। बेलन की हेल्प से हम इसे बेलेंगे, लेकिन मोटा बेलना है हमें, बहुत पतला नहीं करना है इसे। इवनली बेले और मोटा बेले, और बेलने से पहले नीचे प्लेटफॉर्म पे चीनी जरूर छिड़के पिसी हुई। और अब इसकी हम बराबर पीसेस कर लेंगे, जिस तरह से बर्फी होती है स्क्वायर शेप में ठीक वैसी, लेकिन बर्फी जितनी बड़ी साइज की नहीं, छोटा साइज स्क्वायर, जो स्क्वायर होगा वो छोटे साइज के हो। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया वीडियो में, ये खाने में बहुत चटपटे और स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इन्हें लिमिट में ही खाना चाहिए। कोई भी तरह का मुखवास हो, आप उसे लिमिट में ही खाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने स्क्वायर कट कर लिए हैं। आप अगर गोलियां बनाते तो कितनी देर तक उसे बनाते रहते मुझे नहीं पता, ये बनाना कितना आसान है। अब हम एक प्लेट में फिर से ये पाउडर शुगर छिड़केंगे ताकि आपस में चिपके ना। ये देखिए, ये है नींबू बाइट, नींबू की बर्फी, जो भी नाम आप इसे देना चाहें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप अभी भी इसे खा सकते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा गीला है। इसे इस तरह से प्लेट में रख लेंगे और उसके बाद पंखे के नीचे, याद रखें सिर्फ पंखे के नीचे आप इसे सुखाएं, 1 से 2 दिन लगेगा इसमें, इसे धूप में बिल्कुल भी ना रखें। तो जब मैं आपको नेक्स्ट ये खाते का मसाला का वीडियो पोस्ट करूंगा, उस टाइम आपको दिखाऊंगा कि ये पंखे के नीचे सूखने के बाद कैसे हो गए। अभी मैं आपको फ्रेश दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड जो थोड़ा सा डो पड़ा था उससे मैंने फिर रोटी बेली इसकी, और उसके ऊपर मैंने पाउडर शुगर लगा के फिर बेला, तो ये पूरा का पूरा बड़े आराम से निकल के आ गया और बड़े आराम से इसके पीस अलग अलग हो रहे हैं। तो जिस तरह से प्लेटफॉर्म पर हमने शुगर पाउडर स्प्रिंकल किया था और फिर डो रखा, तो बेलने से पहले डो के ऊपर भी थोड़ा सा शुगर पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, फिर बड़े आराम से इसके पीसेस भी हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कितने आराम से हो गए। फैन मैंने अभी से चला दिया है, ये बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाएंगे। अच्छे से कोट हो चुके हैं। इसके ऊपर हमने शुगर स्प्रिंकल नहीं किया था बेलते टाइम, तो अभी से ये देखिए थोड़े ड्राई हो चुके हैं। तो इजी वे है कि ऊपर भी स्प्रिंकल कर दीजिए शुगर बेलने से पहले, तो ये अच्छे से आराम से देखिए कितने अच्छे से इसके किनारे कट हैं।
तो फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ये मार्केट वाले से बहुत सस्ता भी पड़ता है, बहुत अच्छा भी रहता है। इसमें हमने साइट्रिक एसिड या अमचूर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, और ज़रूर इससे आपकी बचपन की याद जरूर ताज़ा हुई होगी। आपने बचपन में या अभी भी आपने कौन से खाते खाएं और कौन सा आपका मनपसंद खाता है आप बताएं कमेंट्स करके, हम आपको उसकी रेसिपी भी ज़रूर बताएंगे। और भी कई तरह के खाते सुपारी की रेसिपी आगे हम वीडियो में पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।